मेन लाइट तो खुली नहीं। तो भाई बात है कुछ ऐसी, लाइटिंग सेटअप पूरा का पूरा चेंज कर दिया है, ऑडियो सेटअप पूरा का पूरा चेंज कर दिया, और कैमरा तो हमने ऑलरेडी चेंज कर ही दिया था, 4K पे स्विच कर लिया था। आई जस्ट होप, और ये बात आप बहुत कम सुनते होंगे, आई जस्ट होप कि एक्सपोनेंशियल डिफरेंस ना पता लग रहा हो, बट चेंज इज नेसेसरी, तो कुछ चेंजेस करके देखें। बट एनीवे, आज का मकबैंग होने वाला है भाई प्योर वेजिटेरियन मकबैंग, और पता नहीं कितने टाइम बाद मैं ये सारे आइटम्स खाने वाला हूँ जो आज अपन वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो भाई फाइनली सारे के सारे आइटम्स लग चुके हैं, और ये नज़ारा भाई बेहतरीन लग रहा है, मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले है मेरे पास स्पाइसी बैंगन का भरता, जो कि मेरा फेवरेट है। भिंडी, दो प्याजा, दिखने में क्या बेहतरीन लग रही है यार, मन कर रहा है तुरंत खा जाऊँ। चना मसाला, ये अभी तो इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, बट डेफिनेटली वीडियो में आगे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगने वाला है। इसी के साइड में है हमारे पास पनीर पसंदा, इसमें यार पनीर को स्टफ करके डाला जाता है और ये थोड़ा सा स्वीटर साइड में होता है। रायपुर के ओनली वेज के लौकी वाले मोमो, वन ऑफ माय फेवरेट्स, आई कांट हेल्प इट, इस वीडियो में इसका कोई तुक नहीं बनता है, बट मैं उस साइड गया था तो इसको लाना तो देखो बनता था। जीरा राइस, और ब्रेड्स में है अपने पास ग्रीन चिली पराठा, और नीचे रखी हुई है ढेर सारी बटर तंदूरी रोटियां। फटाफट से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट भाई अपनी परंपरा के साथ। जरा आप इनकी शक्ल देख लो, फटाफट से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। लौकी के मोमो सुनकर ना ऐसा लगता है न जाने कैसे होंगे। बट भाई आप हर जगह के मोमो भूल जाओगे इनके बाद, बेहतरीन। बटर तंदूरी रोटी से करते हैं भाई स्टार्ट। और हाँ, आज के सारे आइटम्स उसदा ढाबा प्रीमियम से मंगा रखें, जो कि थोड़ा सा महंगा वाला ब्रांच है अपना उसदा ढाबा का ही। भिंडी, दो प्याजा, भाई बहुत टाइम हो गया ट्रस्ट में कि मैंने ये सारे आइटम्स नहीं खाए भाई। शक्ल देखो भाई क्या लग रहा है, लेट्स सी हाउ इट इज। वाओ, जस्ट वाओ, एक ना बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, स्पाइसी हो रही है। ओह, जब आइटम दिखने में अच्छा लगता है ना और टेस्ट में भी अच्छा होता है, ओह स्वाद आ जाता, बेहतरीन हो रही है भाई हरी चटनी। स्वाद आ गया यार, पंजाब की याद आ गई मुझे, ऐसे कलर के चने ना पंजाब में ही मिलते थे। इसमें टेस्ट की कोई कमी नहीं भाई, बेहतरीन टेस्ट आ रहा है, बट मतलब चना से या छोलों से आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है। बट ये चटनी टेस्ट एलिवेट कर दे रही है भाई।
आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेरे खाने वाले वीडियोस को अपने खाने के साथ एंजॉय करते हैं। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा फालतू बातें ना हो। एक बड़ा सा बाइट लेंगे भाई, ये बाइट देख लो मैसिव। इसमें डालेंगे हरी चटनी, क्योंकि ये तो भाई टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जा ले रही है, हर आइटम के टेस्ट को। लेट्स गो इन फॉर अ नाइस बिग बाइट। वाओ, स्वीट्स पे मकबैंग देखना आप में से कितनों को पसंद है। मैं क्योंकि जा रहा हूँ नोएडा अपना सारा सामान लेने, नोएडा से मतलब परमानेंटली वापसी शिफ्ट हो रहे हैं, तो कुछ कुछ आइटम्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ से फाइनली लाऊं और एक बारी फिर मकबैंग करूँ, क्योंकि फिर मेरे को नहीं पता कि कब वहाँ से सारे के सारे सामान ला पाऊँगा खाने के। What if we combine these two exceptional items, बैगन का भरता प्लस भिंडी दो प्याजा, दिख भी नहीं रही होगी। Wow, wow, and I think this is the best combination ever अपने इंडियन फूड का, बैंगन का भरता प्लस भिंडी दो प्याजा। ओए होए होए, यू विल नेवर रिग्रेट इट। वाओ, पनीर पसंद था, इसको तोड़ते हैं बीच से भाई। ग्रेवी आपको इसकी लगेगी कड़ी जैसी। दिखने में स्टफिंग दिख रही है आपको। कई ऐसे फूड आइटम्स हैं, चीज केक भाई, ओ हो, चोको आमा का चीज केक। मैंने आज तक वीडियो में नहीं रखा है वो, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक पूरे के पूरे केक को वीडियो में कैसे रखूं। बट लेंड मी सम आइडियाज कि अपन वो चीज केक भाई वीडियो में ट्राई कर पाए। भाई साहब क्या होता है चीज केक, इस बारी वो चीज केक तो मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा। अपना फेवरेट ग्रीन चिली पराठा। ब्रेड चेंज करते ही टेस्ट ही बदल गया भाई, मतलब नान के साथ और बढ़िया होता है। ये देखो भिंडी ली, इसमें लगाया भर भर के बैंगन का भरता, ये बनाया बड़ा सा बाइट। साइज देख लो जरा इस बाइट का। लेट्स गो इन फॉर दिस बिग बाइट। समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाई है ये भिंडी, किसने बनाई है। ओए होए, बेहतरीन बनाई है इसने, बनाई है। चावल के साथ कभी सब्जी ट्राई करी आपने? ये वाली तो मैंने भी नहीं करी। चने का ना कलर ऐसा लग रहा है कि इररेजिस्टेबल। चावल के साथ हो भी रहा है।
भिंडी के साथ ट्राई करते हैं। भिंडी तो प्याजा ने तो ओए होए स्वाद ही दिला दिया। हरी चटनी डालो यार इसमें। नॉट एज गुड जितना मतलब रोटी के साथ हो रहा है। बट डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक टेस्ट। राइस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा अच्छा जहाँ तक कि मेरा ख्याल है। इसी में डालते हैं बैंगन का भरता निकालते हैं यहाँ से और इस पर डालते हैं। ये सब चीज़ें ना मैं पहली बार कर रहा हूँ। अदरवाइज एक ही सब्जी है जिसके साथ मैंने चावल ट्राई कर रखा और उसी के साथ मेरे को पसंद है, वो है पत्ता गोभी। भैया कैबेज के साथ चावल का जो स्वाद है ना, ओए होए। हमारे हॉस्टल में काफ़ी लोग वो ही बनाते थे क्योंकि कैबेज में ज़्यादा मेहनत लगती नहीं थी और ना चावल में ज़्यादा मेहनत लगती थी, तो रोटी की जगह चावल बना लेते थे कैबेज के साथ। ये वाला माइक इमरजेंसी के लिए लगा रखा है, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसे बैंगन के भरते के साथ देखते हैं। बैटरी भाई स्वाद आ गया आज की वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले एक बात बताता हूँ, ये कुर्सी ना मतलब ऐसी हो चुकी है मेरे लिए कि यहाँ जब बैठता हूँ तो बाकी सब चीज़ें भूल जाता हूँ और उन बाकी सब चीज़ों में वीडियो की भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। मैं वीडियो में जो बोलना होता है मैं भूल जाता हूँ भाई। मतलब अभी बैटरी चेंज करने के लिए जब मैं उठा ना अचानक रियलाइज़ हुआ कि अब बैंगन का भरता तो बहुत बेहतरीन हो रहा है चावल के साथ, बट जब यहाँ बैठ के खा रहा हूँ तो उतना लग नहीं रहा है या दिमाग उस तरफ जा नहीं रहा है। जो भी था एक पॉइंट के बाद होता है, मतलब इनिशियली हर चीज़ का टेस्ट मुझे एग्जैक्टली वैसा ही आता है जैसा लग रहा है। विद टाइम शायद से मेरे टेस्ट बड्स थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बट जो भी है भाई आज की वीडियो में मज़ा आ गया। पनीर पसंद था और बैंगन का भरता भाई मैं साइड कर चुका हूँ क्योंकि उनको किस चीज़ के साथ खाऊं अभी कुछ आइटम्स नहीं है, मतलब रोटी वगैरह के साथ ना बेहतरीन मज़ा आएगा उसको खाने में। आई जस्ट होप यू गाइज एंजॉय टुडेस मकबैंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड आई विल गेट यू गाइज ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।